वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास के अंदर हम आपको कॉमर्स एकेडमी के मार्क प्लस जीएसटी कोर्स के बारे में बताएंगे। इस कोर्स के अंदर आपका 100% प्लेसमेंट कराया जाता है, वो भी आपके लोकल एरिया के अंदर। तो ये प्लेसमेंट होता किस तरह से, ये कोर्स क्या है, किन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए, किन लोगों को ये कोर्स नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये मार्क प्लस जीएसटी है क्या। हम बात करते हैं मार्क कंपनी के बारे में। तो मार्क कंपनी का जो सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा जो मार्केट में यूज होता है वो इन्वेंट्री के लिए यूज होता है। यानी अगर हम बात करें जिन फर्म्स के अंदर इन्वेंटरी सबसे ज्यादा यूज होती है, वो लोग अपनी इन्वेंटरी और जीएसटी मेंटेन करने के लिए मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, जिसको हम कहते हैं फार्मा। अगर आप अपने आसपास की जो शॉप्स वगैरह है, जिसको मेडिकल शॉप्स वगैरह कहें, या जो मेडिकल वाले या फार्मा वाले रिटेल के अंदर या होलसेल के अंदर वर्क करते हैं, तो उनसे अगर आप पूछोगे कि भाई इन्वेंटरी मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, तो आपको 70% जो आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा मार्क ईआरपी। तो यहां पे एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि अगर आप इन्वेंटरी के अंदर यानी स्पेशली अगर आप फार्मा सेक्टर में वर्क करना चाहते हो, क्योंकि वहां पे अमाउंट भी काफी अच्छे लेवल पे मिलता है, तो आपको मार्क ईआरपी आना ही आना चाहिए। और ऑल ओवर इंडिया फार्मा सेक्टर का 70% मार्केट मार्क ईआरपी के पास में इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर मुझे मेडिकल लाइन के अंदर जाना ही नहीं है, यानी मुझे मेडिकल लाइन की अकाउंटिंग करनी ही नहीं है, मुझे मेडिकल लाइन की जीएसटी रिटर्न फाइल करनी ही नहीं है, तो क्या ये कोर्स मेरे लिए है क्या। तो मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि मार्क सबसे ज्यादा मेडिकल में यूज होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क सिर्फ मेडिकल में यूज होता है। मार्क मेनली जो यूज होता है वो इन्वेंटरी के लिए यूज होता है। और इन्वेंटरी लेवल के ऊपर हम बात करें तो ये जो बिजनेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी बिजनेस के अंदर मार्क इन्वेंटरी के लिए काफी बड़े लेवल पे यूज होता है। अब यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर बुक्स जो स्टोर्स होती है या काफी सारे मेरे नॉन ऐसे मेडिकल है जो टैली यूज करते हैं, तो वहां पे आप एक चीज उनसे क्लियर कर लेना कि आप अकाउंटिंग के लिए क्या यूज कर रहे हो और इन्वेंटरी के लिए क्या यूज कर रहे हो। क्योंकि अगर हम बात करें कि 30% मार्केट ऐसा भी है हमारे इंडिया का जो अकाउंटिंग के लिए टैली यूज कर रहे हैं, वो इन्वेंटरी के लिए आपको मार्क यूज करना पड़ रहा है। तो मेनली क्या हुआ कि आपके पास में अकाउंटिंग की, इन्वेंटरी की और जीएसटी की तीनों स्किल्स आपके पास में अच्छे से होनी चाहिए। और बाकी मार्क आप कैसे करोगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखे, आपके सारे डाउट वन बाय वन क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे आपकी एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि अगर आपको इन सारे सेक्टर में एज ए इन्वेंटरी वर्क करना हो, क्योंकि जैसे जिन भी फर्म्स के अंदर इन्वेंटरी काफी ज्यादा होती है, जैसे हम बात करें जनरल स्टोर्स की बात करें, बुक्स स्टोर्स की बात करें, या जो हमारे मार्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम बात करें, तो वहां पे जो इन्वेंटरी के लिए तो सबसे ज्यादा यूज होता है वो मार्क यूज होता है। और इसी के साथ में अगर आपको एज ए जॉब नहीं करनी, यानी आप एक प्रोफेशनल है या एक बिजनेसमैन है, तो भी आपको ये मार्क का कोर्स करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपके काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो मेडिकल्स के भी हो सकते हैं, फार्मा के भी हो सकते हैं, या इन्वेंटरी मेंटेन भी काफी हीवी करते हैं, तो उनकी रिटर्न फाइलिंग में आपको कहीं ना कहीं काफी प्रॉब्लम आती है, आप उनके डाउट्स भी क्लियर नहीं कर पाते। और अगर आप बिजनेसमैन है तो एक्चुअल में आपको यह पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास में इन्वेंटरी काफी ज्यादा है तो आपके लिए बेस्ट मार्क ही रहेगा। तो यह मैंने मार्क कंपनी के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इस कोर्सेज के बारे में जानते हैं और कॉमर्स अकेडमी का जो ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम जानते हैं। यहां पे मैं एक चीज आपको और अपडेट कर दूं, मेनली आज हम मार्क प्लस जीएसटी कोर्स के बारे में ही जान रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो कॉमर्स एकेडमी के जितने भी पेड कोर्स होते हैं उन सभी का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रहता है। तो जो काफी टाइम से आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि सर कॉमर्स एकेडमी पेड कोर्सेज में पढ़ाता कैसे है, तो वो भी आज आपकी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होगी और अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। एज ए स्टूडेंट जो चीजें आपको मिलने वाली है वो इस तरह से है कि आप जैसे इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको मार्क पोर्टल मिलता है, जिसका एक्सेस आपके लिए लाइफ टाइम रहता है। इस पोर्टल के अंदर आपको ई बुक मिलती है जो इजी इंग्लिश के अंदर होती है। इस ई बुक में कंप्लीटली मार्क को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट गाइडलाइन इसके अंदर होती है। इसी के साथ में आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट मिलते हैं, वीडियो के ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन से एरिया में मार्क की कितनी जॉब्स आके रखी है। इसी के साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आपको मार्क सॉफ्टवेयर दिया जाता है, जिसका डाउनलोड सेटअप होता है वो आपके पोर्टल के ऊपर ही रहता है। इसी के साथ में आपको प्लेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया जाता है। ये जो प्लेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। पहले मैं ये सारे पॉइंट क्लियर कर देता हूं। और इसके अंदर आपको एक स्टूडेंट फीडबैक भी मिलता है कि अगर आपको किसी चीज का भी ट्रेनिंग का कोई फीडबैक देना हो तो इजीली आप इसके अंदर फीडबैक दे सकते हैं। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी चीजें आपको मार्क पोर्टल में मिलती है। इसके अलावा भी आपको कंटेंट मिलता है जो अलग से दिया जाता है, वो आपको मार्क प्लस जीएसटी के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो कंटेंट है इनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वो सिर्फ पोर्टल में हमेशा रहेगा। लेकिन कुछ डाउनलोड होने वाला भी कंटेंट आपको दिया जाता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो मार्क के जो नोट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं, असाइनमेंट
असाइनमेंट भी दिए जाते हैं जिनको इजीली आप पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक एप्लीकेशन दी जाती है, उस एप्लीकेशन से फेस टू फेस लाइव क्लास होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो इस कोर्स के अंदर जो क्लासेज होगी वो फेस टू फेस लाइव क्लासेज ही होगी। अब ये क्लासेज कैसे होगी इसके बारे में भी हम जानते हैं, पहले ये डिटेल्स क्लियर कर लेते हैं। और इसी के साथ में आपको एक सपोर्ट पेज दिया जाएगा। वो सपोर्ट पेज का सेंस ये है कि अगर आपको किसी तरह की कोई मार्क के अंदर या कोई अकाउंटिंग के अंदर या कोई रिटर्न फाइलिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्यूशन के लिए आपको एक सपोर्ट पेज भी इसमें दिया जाता है। और इसी के साथ में आपको ओरिजिनल मार्क का सर्टिफिकेट दिया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल का होता है। इन फ्यूचर अगर आप अकाउंटिंग वर्क के लिए आउट ऑफ इंडिया भी जाते हो तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये मार्क सॉफ्टवेयर का जो सर्टिफिकेट है ये लीगल होता है, एम्बेसी अप्रूवल होता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलती है। इसी के साथ में आप 100% जॉब प्लेसमेंट का भी इसके अंदर एक फीचर मिलता है। अब ये प्लेसमेंट अपनों कैसे होंगे, किस तरह से इसमें स्टडी होगी वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई, एज ए स्टूडेंट आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। अब हम जानते हैं कि ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से किया जाता है। तो यहां पे मैं क्लियर कर दूं, जो भी हमारी ट्रेनिंग होनी है वो लाइव होनी है और वो लाइव के अंदर भी फेस टू फेस लाइव क्लास होगी क्वेश्चन आंसर के साथ में। किसी तरह का कोई भी डाउट हुआ आपको सीधा अपना माइक ऑन करना है और क्वेश्चन पूछना है। और जो भी क्लासेज होगी वो फेस टू फेस लाइव क्लासेज ही होगी। और ये जो कॉमर्स अकेडमी का जो फेस टू फेस लाइव क्लास का कॉन्सेप्ट है ये काफी इंटरेस्टिंग भी और काफी ज्यादा इसकी एक्यूरेसी भी आती है। अब इसके अंदर जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपको एक एप्लीकेशन दी जाती है लाइव फेस टू फेस क्लास लेने के लिए। और ये जो एप्लीकेशन होती है ये आप अपने मोबाइल फोन में, पीसी में, लैपटॉप में, किसी में भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में जो भी लाइव क्लास हो रही है फेस टू फेस इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है उसका एक्सेस भी आपको लाइफ टाइम दिया जाता है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये शिकायत करेंगे कि सर जो टाइमिंग आपने बताया है लाइव क्लास को, उस टाइमिंग के ऊपर हम क्लास नहीं ले सकते, या जो हमारे पास में लाइव क्लास लेने का टाइम ही नहीं होता, हम अब्सेंट्स काफी ज्यादा हो जाएंगे, हमें रिकॉर्डिंग क्लासेस ही दे दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये अच्छे से डाउट क्लियर हो रहा है कि क्लासेस तो फेस टू फेस होगी, लाइव होगी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी और इसका जो एक्सेस होगा वो लाइफ टाइम होगा। और ये सारी रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हैं, कॉमर्स अकेडमी के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो लाइव क्लास होगी उसमें तो सारे स्टूडेंट्स अपने डाउट क्लियर कर लेंगे, लेकिन हम तो रिकॉर्डिंग वॉच कर रहे हैं तो उसके अंदर हम हमारा डाउट क्लियर कैसे करेंगे। तो इसका आंसर ये है कि आपको इसके अंदर एक पैनल दिया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पोर्टल। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग पोर्टल के अंदर आपको लाइव क्लास से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर कोई डाउट है जो उस लाइव क्लास में क्लियर नहीं हुआ हो, उसके अंदर आप इजीली अपनी प्रॉब्लम है वो सेंड कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर वो उसको इजी वे के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पोर्टल जो आपको मिलता है तो काफी हद तक ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर आपको इसके अंदर मिलता है। इसी के साथ में जो ट्रेनिंग आपको होती है उसके अंदर प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं। और ये जो हमारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट होते हैं ये रियल अकाउंटिंग को फोकस करते हैं, यानी ओरिजिनल अकाउंटिंग कैसे होती है, किस तरह से ओरिजिनल मार्केट लेवल पे वर्क होता है, जीएसटी के साथ में वर्क कैसे होता है, जीएसटी की ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग कैसे की जाती है, वो कंप्लीटली असाइनमेंट दे के आपको पूरा लाइव इसके अंदर आपको सिखाया जाता है। अब इसके अंदर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आप एक फेस और करेंगे, वो फेस ये करेंगे, देखो क्या होता है कि टीचर कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा है और इजीली उसने अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर एक कंप्लीटली असाइनमेंट सॉल्व कर ली है, कंप्लीटली कोई भी एंट्री करके आपको दिखा दी। अब उस एंट्री को आप जब अपने पीसी में करते हैं तो काफी सारी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आपको रिमोट सपोर्ट दिया है। अब ये रिमोट सपोर्ट क्या है, तो रिमोट सपोर्ट को आप यूज इस तरह से करते हैं कि जैसे आपको आज होमवर्क दिया, यानी आपको कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए मटेरियल दिया गया। अब उस मटेरियल को आपने यूज करते हुए अपने सिस्टम में, पीसी में, लैपटॉप में उसको यूज किया और उसके अंदर वो एंट्री नहीं हुई, तो नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर एज ए रिमोट लाइव क्लास में ही आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया जाता है और सभी के सामने उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है। और उससे बेनिफिट ये होता है कि बाकियों को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम इन फ्यूचर फेस करनी पड़ती है तो उसका सॉल्यूशन भी सीख जाते हैं और रिमोट सपोर्ट होने की वजह से इजीली आपके डाउट भी क्लियर हो जाते हैं और आपको एक्चुअल में फील ये होता है कि टीचर ने आपके सिस्टम के ऊपर आके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करी। और जो क्लासेस होगी वो वैसे भी फेस टू फेस क्लास है तो इजीली हम कह सकते हैं कि आपको ऐसे ऑफलाइन क्लास का ही एक्सपीरियंस होने वाला है हमारी इन क्लासेस के अंदर। अब ये हो गया ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट। अब ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद में क्या, तो ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद में होती है आपकी लास्ट में एग्जाम और एग्जाम ही के साथ में आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है प्लेसमेंट प्रोसेस। और ये जो प्लेसमेंट प्रोसेस होती है ये मार्क ईआरपी लिमिटेड करता है। अब ये प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती कैसे है, किस तरह से मार्क ईआरपी आपको प्लेसमेंट देगा,
इसके ऊपर अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद में आपकी होती है एग्जाम। अब वो एग्जाम किस तरह से होती है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और जैसे एग्जाम वर्ड आप सुने तो उसमें आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो भी एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पे ही आते हैं, और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की कंप्लीटली असाइनमेंट के साथ में आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस कराई जाती है, तो उसमें कोई इतना कोई इशू नहीं है। तो जो एग्जाम होती है वो ऑनलाइन होती है। इस एग्जाम को आप अपने मोबाइल फोन और पीसी दोनों के ऊपर एग्जाम दे सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस एग्जाम के अंदर आपको 50% लाना कंपलसरी है। जैसे 50% इसमें ले आते हैं तो आपको ये मार्क का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये आपको मिलता है, क्योंकि जब आपके पास में मार्क का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा तभी जो मार्क ईआरपी लिमिटेड आपके प्लेसमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में आपका सर्टिफिकेट आ गया। अब यहां पे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सर एग्जाम देने के बाद में सर्टिफिकेट कितने दिनों बाद में आएगा? तो जैसे ही आपने एग्जाम दी 48 आवर्स के अंदर ही सर्टिफिकेट आपका रिलीज हो जाता है। जैसे ही सर्टिफिकेट आपके पास में आ गया 48 आवर्स के अंदर ही, तब आपको अपने प्लेसमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। अब ये प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगी? तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, आपको अपने पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के बाद में आपको लेफ्ट साइड के अंदर एक बटन मिलेगा प्लेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। इस प्लेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके इसको सबमिट कर देना है। जैसे ये प्लेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे, मार्क ईआरपी लिमिटेड के अंदर आपका डाटाबेस चला जाएगा और आपकी जॉब की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मार्क लोगों को जॉब देता कैसे है और किस तरह से इनकी प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो मार्क का कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है प्लेस करने का। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया कि मार्क सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। लास्ट 2 ईयर के अंदर मार्क की जो सेल है वो काफी ज्यादा हेवी लेवल के ऊपर गई है। तो अब कॉन्सेप्ट इस तरह से हो गया कि मार्क की सॉफ्टवेयर सेल तो काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन मार्क के साथ में जीएसटी का जो नॉलेज है वो लोगों को पास में नहीं है। तो मार्क के पास में इस तरह के लोग आ रहे हैं, या तो उनको कंप्लीटली मार्क का नॉलेज है जीएसटी का नहीं है, या उनको कंप्लीटली जीएसटी का नॉलेज है मार्क का नहीं है। तो फर्स्ट चीज तो यही है कि मार्क को वो लोग चाहिए कि जिनको मार्क का भी कंप्लीट नॉलेज हो और प्लस जीएसटी का भी कंप्लीट नॉलेज हो। तो वो नॉलेज तो हम आपको दे रहे हैं। अब वो नॉलेज लेने के बाद में मार्क क्या करता है कि जहां पे भी मार्क के सॉफ्टवेयर सेल आउट होते हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया में सब जगह चैनल पार्टनर है जो मार्क के सॉफ्टवेयर को सेल करते हैं, जैसे मार्क का सॉफ्टवेयर सेल होता है तो वहां का जो चैनल पार्टनर होता है वो डिमांड लेता है कि भाई आपको अकाउंटेंट कितने चाहिए। तो जैसे उसने अपनी डिमांड बताई, इन सभी डिमांड को कलेक्ट करके हेड ऑफिस में सेंड कर दिया जाता है, और हेड ऑफिस आपके जो लोकल जो एड्रेस होता है उसके हिसाब से आपको जो जॉब के चांसेस देता है कि भाई आपके उस लोकल एरिया में ये जॉब आके रखी है, ये जॉब आके रखी है, और आपकी प्रोसेस होती है उसको इसी वे के अंदर आगे बढ़ाया जाता है। अब ये आपको ये चीज तो क्लियर हो चुका होगा कि अब लोकल लेवल के अंदर जॉब कैसे मिलती है, क्योंकि लोकल लेवल के अंदर जो मार्क का सॉफ्टवेयर सेल होता है उस सेल में जो डिमांड होती है अकाउंटेंट की, वो अकाउंटेंट की डिमांड भी मार्क ही कंप्लीट करता है, क्योंकि मार्क से जो अकाउंटेंट उनको मिलता है वो मार्क भी अच्छे से जानता है प्लस जीएसटी भी अच्छे से जानता है, इसलिए उसकी डिमांड मार्केट में बनी रहती है। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसमें सैलरी क्या मिलेगी? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें सैलरी का कॉन्सेप्ट आपके लोकल मार्केट पे डिपेंड करता है। तो यहां पे मार्क आपको एक कंप्लीटली एक फिगर नहीं दे सकता कि मिनिमम ये मिलेगी या मैक्सिमम ये मिलेगी, वो डिपेंड करता है कि आपके लोकल मार्केट के अंदर वो पार्ट टाइम जॉब का क्या पे आउट है और फुल टाइम जॉब का क्या पे आउट है, वो जब आपको प्लेस किया जाएगा तो उसके बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सर मार्क सिर्फ लोकल लेवल पे ही प्लेस करेगा या कुछ अच्छी कंपनियों में भी प्लेस करेगा? तो उसका आंसर है यस, हां वो अच्छी कंपनियों में भी प्लेस करेगा। तो वो कंपनियां किस तरह से होगी उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो मेनली मार्क का फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही रहता है कि लोगों को लोकल लेवल के ऊपर प्रमोट करें, क्योंकि मैं अगर अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताऊं कि अकाउंटिंग की जो फील्ड है ना, इसमें पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए, फुल टाइम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करने से क्या हुआ कि आप 5 लोगों के और अकाउंट्स कर पाओगे, और फुल टाइम के ऊपर पैसा तो अच्छा मिलेगा लेकिन एक ही जगह आप फिक्स हो जाओगे। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको लिमिटेड कंपनियां मिल जाए या कोई अच्छी कंपनी मिल जाए तो एज ए सिक्योर हो जाए। तो मार्क वहां पे भी आपको प्लेस करवाता है। उन कंपनियों की लिस्ट इस तरह से है, यानी इन कंपनियों में ऑलरेडी हमारे मार्क के जो अकाउंटेंट्स है वो वर्क कर रहे हैं और आगे भी इन कंपनियों के अंदर प्लेस कराए जाएंगे। तो ये नॉर्मली जो कंपनियां हैं जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर शो करी है, और नॉर्मली इन कंपनियों के बारे में आप कुछ ना कुछ जानते भी हैं। तो ये मैंने प्लेसमेंट का ट्रेनिंग कैसे होगा, किस तरह से आपको इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, ये मैंने 1 by 1 आपको बता दिया।